राधे राधे दोस्तों, मैं कृष्ण भक्त उन्नति सोलंकी आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल की किस काउचर में। तो देखिए घड़ी में बज रहे हैं 6 और मैं उठ चुकी हूँ और अब मैं अपने कानों को भी उठा देती हूँ। तो देखिए मेरे कानों भी उठ चुके हैं और आप सबको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएँ। तो देखिए मकर संक्रांति के उपलक्ष में हम देख रहे हैं कानू के सुबह के दर्शन। देखिए और आज बहुत ही ज़्यादा ठंड है एकदम। और चलिए जल्दी से झाड़ू लगा लेते हैं और फिर पोछा लगा लेते हैं पूरे घर में। मैं पूरी वीडियो नहीं दिखा सकती हूँ लगाते हुए क्योंकि मेरे को खुद ही शूट करना होता है। और चलिए अब मैं नहा धोकर पंचामृत से कृष्ण जी का अभिषेक करने जा रही हूँ। देखिए यह है गंगा जल, तिल और अक्षत युक्त। चलिए सबसे पहले गंगा जल से अभिषेक कर लेते हैं। फिर दही से अभिषेक करेंगे। ये देखिए दही है ये। दही के बाद घी, घी को आप मेल्ट कर लें पहले, उसके बाद अभिषेक करें। तो ये देखिए घी से अभिषेक करेंगे हम। अब शहद से अभिषेक करेंगे और शहद को भी आप गर्म पानी में रखकर थोड़ा सा हीट कर लेंगे तो उससे वो पिघल जाएगा और आपका अभिषेक आसानी से कर पाएंगे आप। अब करेंगे दूध से अभिषेक। और ये सब चीज़ें आप कृपया करके फ्रिज में रखा हुआ ना यूज़ करें, इतनी ठंड में फ्रिज का ठंडा ठंडा नहीं, थोड़ा नॉर्मल कर लीजिए बाहर रखकर, उसके बाद ही अभिषेक करिए। और एक बात और बोलना चाहती हूँ मैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिए जिससे मेरे को आगे बनाने और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिले। अगर आप लोगों की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आता है तो बहुत ही दुख होता है और साथ ही साथ ये भी लगता है कि मेरे को कंटेंट, मतलब मेरे को वीडियो नहीं बनाना चाहिए। अब
गंगा जल से अच्छी तरह नहला लेंगे, स्नान करे आएंगे। हम ये लंगोट को उतार कर कान्हा जी को अच्छी तरह पोंछ लेंगे टॉवल से, और उसके बाद अब कपड़े पहनाते हैं। चलिए पहना देते हैं कान्हा जी को लंगोट। और अगर आप लोगों को लंगोट बनानी नहीं आती है तो कृपया मेरे लंगोट वाले वीडियो में जाकर विजिट कर सकते हैं, और साथ ही साथ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगी। इतनी ठंड हो रही है तो आप अपने कान्हा जी को प्रेफर करिए कि गर्म लंगोट बना पाएँ। बनाइए, बहुत इजी है। और ये देखिए कान्हा जी के वस्त्र, इसमें उनकी ज्वेलरी भी है और वस्त्र भी हैं। तो चलिए ये पहना देते हैं हम कान्हा जी को। और ये कलर मकर संक्रांति में काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। तो चलिए ये है कान्हा जी का गरम पजामा। और ये है कान्हा जी की गर्म चोली। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी डाउट होता है, कुछ पूछना होता है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और ये देखिए कान्हा जी की गरम गरम ये जूते एकदम मैचिंग के। बहुत ही अच्छे लग रहे हैं कान्हा जी। और अभी तो ये कुछ भी नहीं है, अभी इसके ऊपर हम ड्रेस भी बनाएंगे। देखिए कितने सुंदर लगेंगे फिर। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, और इसको लाइक भी करिए। और जो चीज़ आपको इस वीडियो में सबसे अच्छी लगी तो वो आप कमेंट करके भी बताइए कि आपको क्या चीज़ इसमें सबसे अच्छा लगता है मेरी वीडियो में। तो चलिए मैचिंग के टॉप्स भी पहना देते हैं कान्हा जी को। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं एकदम। और कान्हा जी की स्माइल देखिए, वो कितना खुश हो जाते हैं जब वो नए नए कपड़े पहनते हैं। ये है
प्योर जरकन के कड़े कान्हा जी के, और ये इस ड्रेस में चार चांद लगा रहे हैं एकदम। ये देखिए बहुत खूबसूरत है एकदम। एक तो कान्हा जी होते ही इतने मनमोहन हैं, उनको देखते ही ऐसा लगता है देखते ही रहें, लुभा लेते हैं एकदम। ये देखिए कान्हा जी की जरकन वाली कोंदनी, बहुत प्यार, अद्भुत। और यह है कान्हा जी का मोती और जरकन वाला नेकलेस, जो कि इस ड्रेस पे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सूट कर रहा है। और यह है कान्हा जी की पगड़ी, और ये पगड़ी तो बहुत ही वाकई बहुत ही अच्छी बनी है। ये पगड़ी मम्मी ने बनाई है और ये ड्रेस भी। ये देखिए वाओ, एकदम वाओ। ये देखिए एकदम बारीक काम हुआ है इस नेकलेस में भी, और बहुत अच्छे लग रहे हैं कान्हा जी। कान्हा जी को नज़र ना लग जाए। ये देखिए तो चलिए आरती करते हैं कान्हा जी की। मैं आरती की ऑडियो उसमें नहीं डाल पाई क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा घंटी वगैरह का साउंड था और वो थोड़ा सूट नहीं कर रहा था, तो मैंने वो साउंड नहीं डाला है। और जो भी पूजा करी उसकी वीडियो भी नहीं बनाई मैंने, क्योंकि मम्मी ने मना किया कि पूजा की वीडियो नहीं डालनी है, इसलिए मैंने वो रिकॉर्ड नहीं करा। तो चलिए अब लगाते हैं हम भोग। भोग में है खिचड़ी और साथ ही साथ ये दाल के पकोड़े, रेबड़ी, मूंगफली और ये ग्रीन चटनी। वाह, एकदम गर्मा गर्म ठंड में बहुत ही बढ़िया। और ये देखिए ये है शाम का भोजन कान्हा जी का, जिसमें है कचौड़ी, रोटी और ये सब्जी है, और ये पम्पकिन की सब्ज़ी है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।